आज प्रोएक्टिव हो जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या फायदे है उस, ये भी बता दो। पहले से सोचो एग्जाम आ रहा है पढ़ लूं, पहले से सोचो क्रिकेट आ रही खेल लूं, पहले से तैयारी कर लूं, पहले से सोचा हुआ कि अब सोने का वक्त आ रहा है कमरा साफ कर लूं, पहले से सोचा हुआ कि खाने का टाइम आ रहा है तो तैयारी पकड़ लूं, सब हर चीज में पहले से तैयार हूं। तो क्या क्या फायदा, कोई आगे से पहले से चीज ध्यान से रखी हुई कोई उठा ही नहीं सकेगा, चोरी नहीं होगी, ख्याल नहीं होगी, तो इससे फायदा क्या होगा। हमें सुबह स्कूल जाने में कोई मुश्किलात नहीं होगी, एक तो मुश्किलात नहीं होगी, पहले से काम होगा, परेशानी नहीं होगी, वही बात उधर ही चीज पड़ी होगी तो कोई उठाएगा नहीं। अच्छा ये बताओ इसमें क्या ख्याल है कि अगर पहले से ये सब चीजें की होंगी तो लोगों को आप पे भरोसा ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। अच्छा भरोसा बढ़ जाता है, पसंद किसको ज्यादा करेंगे, जिस पे भरोसा कर सकते हैं या जिसको कुछ पता नहीं कभी कर दे काम कभी ना करे, उसको ज्यादा पसंद करेंगे? शायद दीदी अच्छा खेलेगा तो उसको ज्यादा पसंद करेंगे लोग, उसकी मशहूरी किस में होगी, सिर्फ बच्चों में या टीचरों में भी होगी, टीचर करेंगे पसंद उसे जो पहले से काम तैयारी सारी। तो ये हुआ कि आपस के दोस्त यार तो भरोसा ज्यादा करेंगे, पसंद भी करेंगे जब भरोसा करेंगे, तो टीचरें भी पसंद करेंगे सोने पे सुहागा, क्या है? और आने वाली जिंदगी में क्या बेहतरी, ये तो अभी बेहतरी, अगर आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो ये तो वो बेहतरी है जो आपके आज में हो जाएगी, क्या आपके आने वाले कल में भी कोई बेहतरी होगी, यानी जब आप बड़े होंगे थोड़े से? और जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो छोटा छोटा काम करता है, जैसे कि उसकी वो दूसरे उसके दोस्त के घर पे जा रहा हो उसकी कार खराब हो जाए वो खुद ही करे, पहले से आती हो ठीक करनी तो उसके टाइम भी बच जाएगा, गाड़ी भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे, वक्त भी पहुंच जाएगा, चार फायदे है ना। उसने पहले सोची थी खराब हो सकती है, पहले सीख उसी करनी ठीक है ना। तो अब हम किन किन चीजों में रिएक्टिव हैं, फिलहाल हम किस चीज में रिएक्टिव होते हैं, कभी ये नहीं कहना किसी भी चीज में, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी चीज में नहीं हो सकता, मैं भी तो बड़ी हुई हूँ, मैं अभी तो कैसी नहीं हुई है, सिखाती भी हूँ फिर भी मुझे पता है रिएक्टिव हो जाती हर चीज में, किसी ना किसी तो खास किन चीजों में हम खरगोश है, सोचो कोई एक आज चीज की मैं कहता हूँ बाद में कर लेंगे, देखेंगे, कोई एक चीज मुझे पता है इससे ज्यादा होगी, एक चीज बताइए सबने जिसमें हम रिएक्टिव है। जैसे मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ, मैंने एक दिन चलाया दो दिन मैंने चलाया दो दिन मैं खेलता रहा, मैं अगली बार आया तो मुझे पता नहीं ये बटन कौन से मैं उसके दूसरे बने मारूंगा। वेरी गुड, तो अगर कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे फिर भूल गए, सोचा खेल लूं, फिर जब कंप्यूटर सामने आया तो पता ही था कि क्या चीज क्या थी, तो अब इसके लिए प्रोएक्टिव होने के लिए क्या करेंगे जी, अब कुलेरी बनने के लिए क्या करोगे, कुलेरी बनने के लिए इसके लिए थोड़ा सा प्लान भी करना पड़ेगा ना, कि दिन का ये खास वक्त जो है इसको मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है कि मैंने 2 से 3 बजे को, मतलब आपको खेलना से नहीं रोकना, कोई और काम नहीं, लेकिन पहले से प्लान कर लेना कि 2 से 3 बजे मैंने बस रोज कंप्यूटर करना है। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो जिम्मेदारी उठा लेते हैं। आप जिम्मेदारी उठाते हैं? सुबह जागने के बाद आप क्या करते हैं, अपने बेड को ठीक करते हैं? प्रोएक्टिव लोग वो भी होते हैं जो अपने मूड की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। मूड का पता क्या होता है, मूड ये होता है, क्या होता है मूड आप बताएं, अगर हमारा मूड खराब होगा तो हम कहेंगे इसको पहले से सही कर लें, और जो दूसरे होते हैं ना ये एक्टिव करते हैं, अगर मूड खराब होगा तो खुद ही देख लूंगा, देखी जाएगी ये राइट वर्ड है, देखी जाएगी। और इधर से इधर तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से आवाज़ ज़रा कम आ रही है, आप भी बात कीजिए। अच्छा अपने मूड और मिजाज को ठीक रखने का एक तरीका ये भी होता है कि राइट काम किया जाए, सही काम किया जाए। जब ये चॉइस मिले ना कि सही काम करना है या कोई शरारत करनी है या कोई किसी को तंग करना है, तो तंग करने से
अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद नहीं तो और थोड़ी देर के बाद, फिर तकलीफ होती है दिल में और अपना मूड और मिजाज खराब होता है। आपका भी होता है, सारे इंसानों का होता है। हम उसे मैनेज कर लेते हैं किसी हीले बहाने से, लेकिन इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो माड़ी चॉइसेस करके अच्छा फील कर सके, अच्छी चॉइसेस करके ही अच्छा फील कर सकते हैं। बड़े सीधे सीधे इंसानों के डिजाइन एलिमेंट्स हैं। तो शाहिद साहब ने तो बात का जवाब नहीं दिया, या शाहिद साहब मुझसे नाराज है, मैं तो भी आया इस बात की भी नाराजगी होती है। मैं एक्चुअली कासिम साहब इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उस वक्त मेरे जिम्मे एक सेशन था, एक काम था, इसकी वजह से मैं आई एम सॉरी फॉर माय एब्सेंस। जी शाहिद सर, प्रोएक्टिव क्या पढ़ा, क्या पता लगा आपको? प्रोएक्टिव, अच्छा जी आगे चलते हैं। प्रोएक्टिव भाई आपका नाम एम सर, मतलब प्रोएक्टिव की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है? अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर हम सुबह रात को अगर हम कपड़े वगैरह इस्त्री वगैरह करके यूनिफॉर्म करके चले, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी कर लेंगे, प्लान पे चल लेंगे, सुबह से काम वगैरह हैविंग अ प्लान, प्लान होना पहले से, कोई ना कोई प्लान जहन में स्ट्रक्चर होना, प्लान होना कि मैं ये ऐसे ऐसे इस तरह करूँगा, क्योंकि बहुत सा कीमती वक्त इन बातों में भी ज़ाया होता है कि आखिरी मोमेंट पे आके बंदे को परेशानी हो जाती है। कभी आपको परेशानी हुई है कि ये वाली शर्ट पहनूं या ये वाली, नीली पहनूं कि नीली? अच्छा रिएक्टिव क्या होता है? कि टाइम आएगा तो देखी जाएगी, वक्त आएगा तो देख लेंगे, देखी जाएगी, और क्या होता है रिएक्टिव? जो परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। अच्छा आपको पता है कि आपको एक प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा तफसील से। उसमें जो पहली आदत है या पहला जो सोचने का जाविया है ना, पैराडाइम के मुताबिक बात हुई, पैराडाइम कोई समझ आई किसी को पैराडाइम क्या होती है? अगर आए तो प्लीज बताइए। अदान साहब जी, अदान साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, अभी इसको और देखते हैं। और पैराडाइम को कौन बता सकता है? सोचने का तरीका। देखिए एक पैराडाइम होती है, सोचने का जाविया तरीका, लेकिन ये उससे भी कोई बड़ी चीज होती है। वैसे जो आपने बताया है वो सच है। हमारा ख्याल होता है ना एक दूसरे से बात करते हुए कि अगर इसने बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इसकी पिटाई लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमारे जहन में एक पैराडाइम होती है कि अगर हमें हमारी मर्जी का हमारी बात ना मानी गई तो हम फिजिकल वायलेंस करेंगे, यानी कि जिस्मानी तौर पर एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे। इससे और भी बड़ी चीज होती है, मैं घबरा गया था तशद्दुद का वर्ड सुन के। मारपीट, गुस्सा, मार पिटाई, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर हम जहन में ये पैराडाइम बिठा लें कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर क्या होगा? एक पैराडाइम ये भी, भाई मुझे आपका नाम नहीं आता, जी जी जब्बार साहब, जब्बार साहब ये होता है ना जहन में कहीं के ये अगर इसने मेरी बात ना मानी तो दोख लगा दूंगा इसे, ये पीछे एक पैराडाइम होती है कि अगर बात ना मानी गई तो बात मन माने के बुरे तरीके भी इस्तेमाल करना जायज है। होती है ना लोगों के जहन में, हमारे जहन में बात होती है। लेकिन अगर हम ये पैराडाइम अपना लें कि कुछ भी हो हम
एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर हाथ उठाएंगे हम एक दूसरे पर? अगर हम सोच लें, पक्का फैसला कर लें, पैराडाइम के दर्जे पर किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लें, फिर क्या होगा? अगर हम ये फैसला कर लें, ये जीशान साहब मेरी तरफ से बोलिए, अगर ये फैसला कर लें कि कोई भी बात होगी हम एक दूसरे से बात मनवाने के लिए बुरी गुफ्तगू का या जुबान का या मारपीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर तो झगड़े नहीं ना होंगे इंसानों में, फिर फिजिकल झगड़े नहीं होंगे? कुछ मारपिटाई एक दूसरे की और कम की है आप लोगों ने? जवाब सर, साथ साथ ना मेरी बात का जवाब, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मेरे लिए फिर आगे बात पढ़ाना मुश्किल होगा जी। हाँ, ये भी एक पैराडाइम होती है कि अगर लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं रेजिस्ट करूंगा। वो डॉक्टर्स भी आजकल हड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप टीवी पे? जो यंग डॉक्टर्स है ना, उन्होंने हड़ताल की हुई है। अच्छा, जिन लोगों के जहन में ये होती है ना, वो बात ना माने जाने पर बात मनवाने की कोशिश करने की बजाय टायर जलाने लग जाते हैं, फिर रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये भी जी राइट, ये एक ये भी है कि कुछ अपने दोस्तों को, करीबी लोगों को इकट्ठा करके कोई डंडे शंडे पकड़ के खड़े हो जाना। अच्छा, रिएक्ट, ये भी रिएक्टिव होने वाली पैराडाइम है। कुछ पैराडाइम्स भी रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव होने का मतलब है माजी में जिंदा रहना। ये सारे पुराने तरीके हैं। जीशान साहब मेरी तरफ तवज्जो, सारों ने आई कॉन्टेक्ट जो है ना एट ऑल टाइम्स मेरे साथ मेंटेन करना है, इधर उधर नहीं देखना, या जो गुफ्तगू कर रहे हो उनके साथ बात करनी। माजी में ये तरीके होते थे, पास्ट में पहले ये तरीके होते थे कि कोई बात ना माने तो पिटाई कर दो, अगर कोई तंग करे तो इकट्ठे हो जाओ, फिर उसे उल्टा तंग करो, मसले को हल ना करो। तो जो यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है ना, तो हॉस्पिटल्स में मरीजों को नहीं देख रहे वो, जाहिर है या तो बंदा हड़ताल कर सकता है या फिर अपना काम कर सकता है, या तो बंदा खफा हो सकता है, रूठ सकता है या बातचीत कर सकता है।